नियम, प्रतिज्ञा, वचन, ये सब मनुष्य ने समाज को सही दिशा में रखने के लिए बनाए हैं। वो मनुष्य ही क्या जिसके जीवन में नियम ना हो, जिनका वो पालन ना करे। परंतु समय के साथ चलने के लिए नियमों को बदलना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये आज का समय ही तो है जो बीत जाने के पश्चात इतिहास बन जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ने पर नियम और प्रतिज्ञा भंग ना की जाए, समय की मांग के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया ना बदली जाए, तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आपकी तोड़ी हुई एक प्रतिज्ञा, एक बंधन कभी कभी पूरे मानव इतिहास को बड़े विनाश से बचा सकता है। इसलिए नियम, प्रतिज्ञा, वचन कुछ नहीं, कुछ है तो केवल समय, जिसके अनुरूप चलने वाला ही सफल हो सकता है। दुर्दिन निकट आ गए। तुम जाओ यहां से, हमें एकांत में रहना है। भ्राता युधिष्ठिर, आपने सदैव मुझ पर प्रेम रखा है, सदैव मुझे अवसर दिए हैं, इसीलिए मैं भी आपको एक और अवसर देना चाहता हूं। बस करो दुर्योधन, बस करो। तुम युधिष्ठिर से दांव पे और क्या लगवाना चाहते हो? पर इसके पास तो कुछ शेष बचा ही नहीं। बहुत कुछ शेष है आचार्य द्रोण, पाने के लिए भी और खोने के लिए भी। माना कि सम्राट युधिष्ठिर अब सब कुछ हार गए, परंतु जब सम्राट युधिष्ठिर ने यहां प्रवेश किया था तो इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे, और अब एक दास बनकर हम सबके समक्ष खड़े हैं। प्रश्न तो ये उठता है आचार्य द्रोण कि ये सारा जगत सम्राट युधिष्ठिर को किस नाम से स्मरण रखेगा? उस राजा के नाम से जिसने द्यूत में अपने आत्मसम्मान के साथ साथ सब कुछ हार डाला, या उस राजा के रूप में जिसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ फिर से पा लिया और फिर से सम्राट बन गए? परंतु अब इनके पास शेष बचा ही क्या है दांव पे लगाने के लिए? एक वस्तु शेष है जिसे दांव पर लगाकर ये सब कुछ फिर से जीत सकते हैं, फिर से सम्राट बन सकते हैं।
जो सब कुछ हार चुका हूं उसके पास क्या शेष है? मैं बताता हूं, वो शेष है जिस पर आपको गर्व है, वो शेष है जिस पर आपका अभय अधिकार है, जो आप पांचों भाइयों को एक सूत्र में बांध के रखता है। वो जिसका जीवन आप पांचों से जुड़ा है, भाइयों को समझाइए दासों का क्या धर्म होता है। दुर्योधन मत भूलो कि पांचाली कुल वधु है। ठीक, पांचाली कुल वधु थी महामहिम, परंतु अब वो दास वधु है, अर्थात एक दास। ऐसा नहीं है कि पांचाली पहली बार दांव पर लग रही है, पांचाली तो सदा से दांव पर लगती आ रही है। पहले पांचाल स्वयंवर में, उसके पश्चात बहन कुंती के वचन पर। पांचाली तो सदा से दांव पर लगती आ रही है और हम इन्हें विवश नहीं कर रहे हैं ना, हम तो इन्हें स्मरण करवा रहे हैं कि इनके पास क्या क्या शेष हैं। स्मरण कीजिए सम्राट, पांचाली आपके लिए कितनी भाग्यशाली है। उसके साथ विवाह किया और तुरंत आप भिक्षुक से सम्राट बन गए। किसे पता आपका भाग्य बदल जाए। खेलिए सम्राट, खेलिए एक दांव अंतिम। किसे ज्ञात पांचाली के भाग्य से आप फिर से सम्राट बन जाए। क्या सोच रहे हैं सम्राट, एक दांव और सब कुछ आपका।
पांचाली को दांव पर नहीं लगाऊंगा। मुझे इस दुर्योधन का दास बनना स्वीकार है। तो ठीक है, मैं तो केवल एक अवसर दे रहा था। यदि भ्राता युधिष्ठिर को स्वीकार नहीं है तो कोई बात नहीं। दास प्रतिगामी, जाओ और जाकर अब मेरी दासी द्रौपदी को यहां लेकर आओ। जाओ दुर्योधन, तुम अपने सीमा का अतिक्रमण कर रहे हो, वहीं पर उन्हें विराम लगा दो। दुर्योधन, तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। सावधान दुर्योधन, आप अपनी प्रतिज्ञा की सीमा में बंधे हैं पितामह। आप अपने वचन से बंधे हैं आचार्य। और तुम कर्ण मेरी मित्रता के बंधन में बंधे हो। कर्ण, मैंने तो केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था ताकि कोई मुझ पर छल का आरोप न लगा सके। परंतु यदि गहराई से देखें तो जिस क्षण वो स्वयं को हारे उसी क्षण वो द्रौपदी को भी हार चुकी थी। यो पांचाली, युधिष्ठिर के सम्राट बनते ही सम्राज्ञी बन चुकी थी, क्या वो अपने पांचों पतियों के दास बनते ही दासी नहीं बन जाती? प्रलाप मत करो दुर्योधन, मैं इस कुतर्क को नहीं मानता। पितामह, आपकी माता सत्यवती एक मछुआरे की कन्या थी, परंतु महाराज शांतनु से विवाह करते ही रानी बन गई है ना? दुर्योधन, यदि मैं असत्य कह रहा हूं तो एक काम करते हैं, हम महामंत्री विदुर से ही पूछ लेते हैं। महामंत्री विदुर, आप ही बताइए धर्म क्या कहता है। मैंने केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था, अन्यथा द्रौपदी तो पहले ही मेरी दासी बन चुकी है। या तो एक और दांव खेले और या ये स्वीकार कर लें कि द्रौपदी मेरी दासी है। सोच लीजिए सम्राट। नहीं, हम तो केवल आपको एक अवसर देना चाहते हैं ताकि किसी को यह ना लगे कि हम आपके साथ छल कर रहे हैं। अंतिम दांव यदि आप जीत गए, सब कुछ आपका। Yeah.
मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। क्या कह रहे हो पुत्र? यदि मैं ये नहीं भी कहता पितामह, तो भी पांचाली को दासी के समान जीवन यापन करना होता। और यदि मैं ये चाल जीत गया तो पांचाली के साथ साथ अपने अनुजों और इंद्रप्रस्थ को पुनः प्राप्त कर लूंगा पितामह। यही अंतिम अवसर है मेरे पास इस दुःस्वप्न का अंत करने का। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। हे गोविंद, कहीं कोई और घोर अनर्थ तो नहीं होने जा रहा? इस भांति जलना ये भी एक अपशगुन है। बारा से कि उसके नए स्वामी दुर्योधन ने उसे अपनी सेवा में
पुकारा है। अभी For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.